बालेश्वर रेलवे एक्सीडेंट में 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। बालेश्वर रेलवे दुर्घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर आ पहुंची है। इस टीम के साथ कई मॉडर्न इक्विपमेंट भी है ताकि ट्रीटमेंट और ऑपरेशन में उसका उपयोग किया जा सके। इस टीम के साथ मेडिसिन का भी पर्याप्त मात्रा में जत्था लेके साथ में आए हैं ताकि रेलवे हादसा में जो इंजर्ड हुए हैं ये सभी लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए। थैंक यू।